हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, और सिक्योरिटी लॉ के जिस टॉपिक के बारे में आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इस टॉपिक का नाम है सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग मैकेनिज्म वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उस चैप्टर में आपने इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो ये सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है, आइए उसकी बात करते हैं। सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग के बारे में सेबी की गाइडलाइंस 1997 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी। अब ये काम किस तरीके से करता है, जरा इसकी बात करते हैं। सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म को काम करने के लिए हमें दो लोगों की जरूरत है, एक हमें चाहिए बोरोवर और दूसरा हमें चाहिए लेंडर। और इन बोरोवर और लेंडर के बीच में, बोरोवर और लेंडर के बीच में एक क्लियरिंग कॉपरेशन का होना बहुत जरूरी है। अब आप पूछेंगे, सर क्लियरिंग कॉपरेशन क्या होती है? तो क्लियरिंग कॉपरेशन का एग्जाम्पल जरा देखिए, जैसे कि NSE की क्लियरिंग कॉपरेशन का नाम है नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉपरेशन लिमिटेड, BSE की इंडियन क्लियरिंग कॉपरेशन लिमिटेड। ये क्लियरिंग कॉपरेशन इस बात की गारंटी देती है कि जो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीटली सेफ होगा। लेकिन अब सवाल आता है कि ये काम किस तरीके से करता है। इसके काम करने के लिए बोरोवर सबसे पहले अपने ब्रोकर को बोलेगा कि मुझे कुछ सिक्योरिटीज लेंड करनी है, यानी कि उसे कुछ शेयर्स उधार की फॉर्म में चाहिए। अब उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूं। बोरोवर को लगता है कि अगर वो भारतीय एयरटेल के शेयर उसे अभी मिल जाएं तो वो उन शेयर्स को मार्केट में सेल कर देगा। इसे हम कहते हैं शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल का मतलब उन स्टॉक्स को सेल करना जिन स्टॉक्स को आप ओन नहीं करते एट द टाइम ऑफ सेल। उसे लगता है कि भारतीय एयरटेल के शेयर्स जो हैं वो इन फ्यूचर में, अभी उसका प्राइस कितना है, दैट प्रेजेंट प्राइस इज ₹100 पर शेयर, ₹100 ईच शेयर। और उसे लगता है कि टोटल प्राइस शेयर का गिरकर इन फ्यूचर ₹90 पर शेयर हो जाएगा, 90 ईच हो जाएगा, 90 ईच शेयर। बट द प्रॉब्लम इज कि बोरोवर के पास भारतीय एयरटेल के शेयर्स तो है ही नहीं, तो वो बोरोवर लेंडर से उसके शेयर्स को बोरो कर लेगा। अब यहां बोरोवर 1000 शेयर्स एट ए प्राइस ऑफ ₹100 बोरो कर रहा है, किससे, लेंडर से बोरो कर रहा है। अब लेंडर को बेनिफिट क्या है, लेंडर के पास कुछ आइडल शेयर्स पड़े हुए हैं, यानी कि उन शेयर्स को यूज नहीं कर रहा और उसका बेचने का भी कोई प्लान नहीं है इन नियर फ्यूचर। अब जब ये शेयर्स लेंडर से निकल के बोरोवर के पास में आ जाएंगे तो बोरोवर उन शेयर्स को सेल कर देगा और पर शेयर का प्राइस कितना होगा, 100 पर शेयर, सो टोटल अमाउंट विल बी 1 लाख। और बाद में क्योंकि बोरोवर जानता है कि फ्यूचर में उसी स्टॉक का प्राइस गिरकर 90 हो सकता है, तो अब वो बोरोवर उन शेयर्स को इन फ्यूचर ₹90 में बाय करेगा, ₹90 पर इक्विटी शेयर्स, एंड 1000 शेयर्स को ₹90 के हिसाब से बाय करेगा एंड टोटल अमाउंट विल बी ₹90,000। 1 लाख में शेयर्स को बेचा और 90,000 में शेयर्स को वापस खरीद लिया, तो प्रॉफिट कितना कमाया, प्रॉफिट कमाया 10,000 का, और उसी प्रॉफिट में से ₹4,000 की फीस लेंडर को पे कर दी। लेंडर को फीस मिल गई, यानी कि आइडल शेयर्स जो लेंडर के पास में थे उससे लेंडर की इनकम हो गई और बोरोवर की इनकम हो गई ₹6,000। और इसके लिए बोरोवर को शेयर्स परचेज भी नहीं करने पड़े, उसने सिर्फ शेयर्स को बोरो किया था। लेकिन इस पूरे ट्रांजेक्शन को करने के लिए ब्रोकर की बहुत इंपॉर्टेंट रोल या भूमिका यहां होती है। ब्रोकर के बारे में आपको बता दूं कि ओनली अप्रूव्ड इंटरमीडियरी, सिर्फ अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के थ्रू ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो सकता है। और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इस बात की गारंटी देगी कि जो शेयर्स आप लेंडिंग के लिए दे रहे हो वो शेयर्स आपको मिल जाएंगे, आपका पैसा सेफ रहेगा,
आपके स्टॉक्स सेफ रहेंगे। ये सारी की सारी गारंटी देने का काम कौन करता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या सारे के सारे स्टॉक्स SLBM के लिए अवेलेबल होते हैं? तो मैं बोलूंगा नहीं, सारे स्टॉक्स अवेलेबल नहीं होते, सिर्फ वो सिक्योरिटीज जो कि F&O सेगमेंट में जिनमें ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस सेगमेंट में जिनमें ट्रेडिंग होती है, सिर्फ वही सिक्योरिटी इसके लिए एलिजिबल होती है। और इसके साथ साथ जो इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म में, दैट इज 12 मंथ्स। अगर बोरोअर को लगता है कि मैंने 6 मंथ्स के लिए बोरोइंग की है और मैं पहले अर्ली रिटर्न करना चाहता हूं, तो ये ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल होता है। अगर लेंडर चाहता है कि मैं वापस टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होने से पहले अपने शेयर्स को रिकॉल करना चाहता हूं, तो लेंडर ये भी कर सकता है। और लेंडर की इनकम किससे होती है? जो लेंडर की इनकम होती है दैट विल बी इंटरेस्ट इनकम और फीस इनकम। ये जो फीस होती है या जो प्राइस होता है, इट कीप्स चेंजिंग एज पर द प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस। सो शॉर्ट सेलिंग करने के लिए सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग इज एन वेरी इफेक्टिव टूल। सो दैट्स इट फॉर SLBM। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच।